वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह का माहौल है और सुबह के 10 बज रहे हैं गाइस, और अभी घर के बाहर खड़े हुए हैं दोस्तों। और अभी मैं क्या कहते हैं आ रहा हूँ गाइस प्याज का पौधा लेकर के। यहीं पास में एक गांव है बांसी, जिसका नाम है गांव का, और वहां से लगभग 10 किलो प्याज का पौधा लेना था, तो वही लेकर अभी जस्ट आ रहा हूँ। मैं और दिनेश भाई गए हुए थे, जो कि देखा है दिनेश भाई को आप लोगों ने व्लॉग में, और कल वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा गाइस। तो उसमें दिनेश भाई को जो कि 10 किलो प्याज का पौधा लेना था, तो हम और दिनेश भाई गए हुए थे। आज भी हम और दिनेश भाई गए हुए थे, जो कि अभी कॉल किए थे सुबह, तो बोले कि आ जाओ, तो गया हुआ था लाने के लिए वही चीज़ दोस्तों, प्याज का पौधा। और सुबह दिनेश भाई बात भी किए थे कि उनको कुछ प्लांट लेना है, जो कि सफ़ेदा वगैरह गांव में आप लोग जानते होंगे, और कई सारे प्लांट उनको लेना था, तो खेत वगैरह में लगवाना था उनको गाइस। तो उसी के लिए जो कि अभी कॉल आया कि आ जाओ प्लांट लेने के लिए, तो दिनेश भाई अभी हम दोनों निकलेंगे, जो कि सफ़ेदा वगैरह यही सब होता है, जो कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे आम का हो गया और अमरूद, आम, सफ़ेदा, ये सब हो गया, ये सब लाने के लिए अभी हम लोग जाएंगे। और दिनेश भाई जो कि हम लोग अभी सिटी जाएंगे, क्योंकि उस सिटी में ही है उसका घर, जो कि जो नर्सरी वाले हैं सिटी में ही है, तो वो फ़ोन किए थे अभी। तो अभी हम और दिनेश भाई जाएंगे गाइस, और आप लोगों को थोड़ा शोर दिख रहा होगा, गाँव में बारात जा रही है एक। अभी हम और दिनेश भाई निकलेंगे, क्योंकि प्याज का पौधा भी लेकर आए, जस्ट पास में ही है, 2-3 किलोमीटर है, तो वहीं पर गया हुआ था गाइस। और उस दिन जो प्याज का पौधा लाए थे गाइस, वहां पे लगा दिए हैं दोस्तों, देख सकते हैं। अभी चलता हूं दिखाता हूं, अभी घर के बाहर ही हैं हम, तो चलिए गाइस दिखाते हैं आप सभी लोगों को जो छोटा सा खेत जैसा बनाया गया है घर में, देख सकते हैं ये वाला खेत, ये यही इतना लगाए थे, ये 2 किलो प्याज का पौधा है गाइस, देख सकते हैं। इसको मैंने लगा दिया है यहाँ पर, जो कि घर पर ही लगाए हुए हैं, देख सकते हैं, छोटा सा खेत जैसा बनाया गया है गाइस। यहाँ पे कई सारी जो कि वेजिटेबल्स उगाई गई हैं, कई सारी सब्जियाँ उगाई गई हैं गाइस, देख सकते हैं। जैसे ये हो गया पत्ता गोभी, इस साइड में धनिया है, और ये जो कि लहसुन, सॉरी वो लहसुन है आगे वाला, ये वाला प्याज जो कि अभी उस दिन रिसेंटली में दिनेश भाई के साथ लाए थे। चलिए चलते हैं, और हम और दिनेश भाई अभी निकलेंगे। दिनेश भाई लंच वगैरह कर रहे हैं, अभी कॉल किए थे, अभी जस्ट आ जाएंगे, तो हम और दिनेश भाई निकलेंगे। और यार बहुत आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि पास में बारात जा रही है, तो कड़बड़ कड़बड़ हो रहा है गाइस, बाजा वाजा बज रहा है, देख सक सुन सकते हैं आप सभी लोग। सो गाइस आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह से बज रहा था, जो कि ये देसी बाजा था गाइस। मैंने सोचा कि लाओ आप सभी को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखा गाइस कैसे सब लोग डांस कर रहे थे और किस तरह से बज रहा था, मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को भी। और चलिए गाइस चलते हैं, क्योंकि दिनेश भाई भी आ रहे हैं, अभी कॉल किए थे, जस्ट लंच वगैरह कर लिए हैं और कपड़ा वगैरह पहन रहे हैं गाइस, आ जाएँ उसके बाद हम और दिनेश भाई निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है, और प्लांट भी लेना है दिनेश भाई को, और जो कि पपीता का हो गया और अमरूद, आम, ये सब सभी प्लांट उनको लेना है। तो गाइस चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए, और जो कि काफ़ी लेट हो रहा है गाइस, चलिए चलते हैं जल्दी से। सो गाइस फाइनली जो है हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि देख सकते हैं गाइस ये नर्सरी है एक प्रकार का, जहाँ पर सभी पौधे अवेलेबल मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग बहुत यार गाइस कई सारे नर्सरी पे गए, बहुत सारे, जैसे ये लगभग छठवां स्थान है जहाँ पे मैं अभी हम और दिनेश भाई आए हैं। दिनेश भाई पीछे देख सकते हैं जो कि पौधा देख रहे हैं गाइस, सफ़ेदा का, मोस्टली इनको सफ़ेदा ही लेना था, तो सफ़ेदा का जो प्लांट है, पौधा है, वो मिल ही नहीं रहा है कहीं पर गाइस। ये छठवां स्थान है जहाँ पर अभी हम और दिनेश भाई आए हुए हैं, तो यहाँ पर सफ़ेदा ढूँढ रहे हैं। सफ़ेदे का पेड़ अगर मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर रहता है गाइस। अभी दिखाते हैं आप सभी लोगों को, यहाँ पर जो है अमरूद हो गया, नीम हो गए, और कुछ वेजिटेबल्स के भी प्लांट हैं, बट यहाँ पे जो है जो हम लोग दिनेश भाई को लेना था जो, वो नहीं है। तो यहाँ पे बहुत लगभग गाइस बहुत सारे बहुत दूर में जो है पेड़ का जो है लगाया गया है, बट अभी पेड़ का ज़्यादा सीज़न नहीं चल रहा है गाइस, क्योंकि सफ़ेदा का पेड़ मोस्टली हम और दिनेश भाई ढूँढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है कहीं पर। एक दो मिला है, देख सकते हैं, अभी दिखाएंगे आप सभी लोगों को, अगर अच्छा लगेगा, अगर थोड़ा भी सही होगा वो प्लांट, तो हम लोग ले चलेंगे घर पे गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ अभी गाइस कितनी दूर में ये है। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है ये नर्सरी, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं गाइस। और यहाँ पर दिनेश भाई जो कि 2-3 पेड़ सफ़ेदा का पा चुके हैं, तो चलिए चलते हैं दिखाते हैं आप सभी लोगों को गाइस, लेकर चलेंगे अभी प्लांट जो कि मिल गया है। और गाइस वहाँ पे जो कि अमरूद वगैरह है, दिखाता हूँ जूम करके, जो कि गाइस देख सकते हैं वहाँ पर, और अमरूद है और आम है, ये सब चीज़ें हैं।
गाइस बहुत दो तीन पेड़ मिल गया है सफ़ेदा का, जो कि आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर दो तीन पेड़ जो है सफ़ेदा का मिल चुका है और ये हम लोगों के घर से काफ़ी दूरी पर है गाइस, लगभग 20-20 किलोमीटर दूरी पर हम लोग आए हुए हैं अभी। और गाइस आने का मन भी नहीं था, दो तीन जगह देखे नहीं मिला, सब लोग यही सजेशन दे रहे थे जिसके नर्सरी पर जा रहे थे कि यहाँ पर आओ यहाँ पर मिल जाएगा। खैर मैं लोकेशन नहीं बताऊँगा आप सभी लोगों को ये, और उसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ गाइस। जो कि देख सकते हैं यहाँ पे ये सफ़ेदा जो कि मिल चुका है, 5-6 पेड़ हैं सफ़ेदा का, अभी लेकर चलेंगे गाइस। और जिसके पास हम और दिनेश भाई गए वे सभी यही सजेशन दे रहे थे कि इसी स्थान पे जाओ यहाँ पे हो सकता है मिल जाए, लेकिन यहाँ पे एक अंकल हैं तो हम लोग उनसे बात किए जो कि यहाँ के देख रेख करते हैं, एक प्रकार से माली हैं, तो हम लोग उनसे बात किए, वो बोल रहे थे गाइस कि यहाँ पर भी नहीं अवेलेबल है क्योंकि अभी सीज़न नहीं चल रहा है सफ़ेदा वगैरह का। तो फिर भी यहाँ पे मिल चुका है 2-4 पेड़, अभी बाद दिनेश गए हैं बुला के लाएंगे अंकल जी को, तो यहाँ पे अभी देखिए अभी लेकर चलेंगे, अगर देते हैं वो तो लेकर चलेंगे ही। सो गाइस चलिए चलते हैं घर, क्योंकि वो प्लांट भी ठीक नहीं है गाइस, सेवित नहीं है वो प्लांट, उसका जो प्लांट है गाइस सफ़ेदा का 2-4 पेड़ हैं वो टूट चुका है, तो बहुत ज़्यादा ठीक भी नहीं है, थोड़ा टूट चुका है वो प्लांट, एकदम सेवित भी नहीं है, थोड़ा उसका जड़ वगैरह सड़ गया है। तो गाइस चलिए घर पे चलते हैं फिर से, यार मिल ही नहीं रहा है, चल रहे हैं अब घर। हम लोग आए हुए हैं काफ़ी दूरी पर, 20-20 किलोमीटर दूरी पर, बट यार जहाँ पर गए वही सब लोग यही सजेशन दे रहे थे जितने भी नर्सरी वाले थे कि इस लोकेशन पे आओ मिल जाएगा, यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी नहीं मिला, 2-4 पेड़ था वो भी सेवित नहीं है गाइस। तो चलिए फिर से अपनी ओर चलते हैं, कहीं पर और 2-3 नर्सरी बची होगी तो वहाँ पर देख लेंगे गाइस, चलिए चलते हैं, हो सकता है अगर मिल जाएगा तो दिखाएंगे प्लांट, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग मिलेंगे। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, हम और दिनेश भाई, और यहाँ प्याज लगाने जा रहे हैं। ये बच्ची भी ब्लॉग बना रही, बच्ची हाय करो, हाय। ये बच्ची फोन ली है, अपना ब्लॉग बना रही है, मैं अपना बना रहा हूँ। बच्ची का नया चैनल बनाएंगे तो आप लोगों को बोल देंगे सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो देख सकते हैं सिर पे लाद लिए हैं 10 किलो प्याज, चलिए लगाते हैं दोस्तों, खेतों में चलते हैं, और हम और दिनेश भाई आ चुके हैं प्लांट वगैरह लेकर के, चलिए चलते हैं। सो पहुंच चुके हैं खेतों में गाइस, देख सकते हैं पहुंच चुके हैं, चलिए लेकर चलते हैं गाइस, खेत वगैरह तैयार हो गया है। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं खेतों में और प्याज बोने के लिए खेत रेडी हो चुका है गाइज, और इस साइड में आलू की खुदाई अभी नहीं हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं गाइज प्याज लगना शुरू हो गया है, जो कि देख पा रहे हैं गाइज इतनी दूर में लग चुका है प्याज, और देख सकते हैं गाइज कुछ इस प्रकार से जो कि प्याज लगाया जाता है, और इस साइड में भी खेत रेडी है छोटा सा, इस साइड में भी लगाया जाएगा और उस साइड में लग चुका है गाइज। इस फाइनली हम लोग प्याज वगैरह लगा के आ चुके हैं खेतों में, और आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस।